हेलो दोस्तों, दिल्ली विधानसभा ने एक फिलोसफी प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है दिल्ली असेंबली रिसर्च सेंटर फिलोसफी प्रोग्राम। ये सभी युवाओं के लिए किया गया, जो भी इंडियन युवा है उसके लिए किया गया। यहाँ पे जॉब निकल के आई है, इससे रिलेटेड आज सारी बातें करेंगे। इसमें किस प्रकार आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और आपको बता दें कि यहाँ से जो है आपको 60,000 रुपये से 1,00,000 रुपये की आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारी जानकारी। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको दिल्ली असेंबली रिसर्च सेंटर का जो ऑफिशियल साइट होता है, इस साइट पे आना होगा। इस साइट पे आने के लिए आपको अपने मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी। उस पे लिंक पे क्लिक करने के आप डायरेक्ट इस साइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा, सबसे इस साइड में आपको इंपॉर्टेंस लिंक का आपको मिलेगा। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में दोनों दिया गया, जैसे कि मैं यहाँ पे एडवांटेज देखिए आपको इंग्लिश में और ये हिंदी दोनों में करके रखा हूँ। यही चीज़ें जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, मेधावी उत्कर्ष युवाओं को ऑनलाइन आवेदन किया, यानी कि विधानसभा दिल्ली विधानसभा जो कि जितने भी युवाओं हैं उसको ऑनलाइन आमंत्रित किया गया है, यानी कि एप्लीकेशन डालने के लिए, ठीक है। इसमें दो पोस्ट के लिए अप्लाई किया जाएगा, यहाँ एक फॉलो है, एक एसोसिएट फॉलोशिप के लिए। यहाँ पे टोटल पोस्ट है जो कि 91 पोस्ट रखा गया है। और यहाँ पे जो है, इसमें क्या हो गया, आपको इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको विधानसभा में काम करने का मौका दिया जाएगा, और विधानसभा में काम करने का मौका आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे जो इसकी जो होती सैलरी जो दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया 60,000 से लेकर के 1,00,000 तक के बीच में आपको सैलरी दिया जाएगा। और इसका ऑनलाइन जो अप्लाई का जो डेट होता है वो 10 अगस्त तक रखा गया है, तो आप यहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से यानी कि इस वेबसाइट पे आकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो का होता है वो दो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, दो स्टेप से। पहला आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, यानी कि लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई करना होगा। चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाली है, कौन कौन से चीजें लगनी है। जो भी डॉक्यूमेंट लगने वाली है यहाँ पे सारा चीज आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस साइट पे पहुंचने के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट आपको देखने के लिए यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है, तो इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिएगा। देखने का यहाँ पे देखिए, आपको एक JPEG फोल्डर में फोटो कॉपी आपको, यानी कि आपको अपना फोटो लगाना जो कि 30 KB का साइज में होना चाहिए, और आपका रिज्यूमे जो होगा, रिज्यूम कम से कम 2 पेज में, मैक्सिमम 2 पेज में होना चाहिए, जो कि PDF के फॉर्मेट में होना चाहिए और 500 KB के होना चाहिए। और सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे आकर के देख लीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन अप्लाई पे यहाँ पे लॉग इन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही लॉग इन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो लॉग इन रजिस्ट्रेशन का जो पेज होता है वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक पेज खोल करके आ गया। यहाँ पे सिंपल सा आपको कैंडिडेट जो नेम होता है जिसके नाम से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका यहाँ पे नाम आपको डालना है। यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉलो या एसोसिएट फॉलो जिसके लिए आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करना, फिर से दोबारा वही ईमेल आईडी आपको कंफर्मेशन के लिए डालना होगा। उसके बाद पासवर्ड आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, फिर से रिकंफर्म पासवर्ड आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। यहाँ पे जो कैप्चर आपको दिया गया, कैप्चर यहाँ पे फिल करके आपको सबमिट कर देना। जैसे ही सबमिट करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो ईमेल आईडी होता है उस पर एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। वहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद यहां पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन के क्लिक करेंगे तो यहां पे एक यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा, जो आपने पासवर्ड बनाया होगा वो पासवर्ड डालने के बाद आपको जो कैप्चर दिया गया कैप्चर डालकर यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करें। अब जैसे ही लॉग इन पे क्लिक करेंगे, लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा, यहाँ पे रिज्यूम ऐड करना होगा, और यहाँ पे आपका नाम जो होगा ऑलरेडी वो लिखा हुआ रहेगा क्योंकि रजिस्टर करने के टाइम में आपने दिया। तो यहाँ पे फादर नेम डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। इसके बाद उस आपका जो भी प्रेफरेंस लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज में आप बात करते हो वो प्रेफरेंस लैंग्वेज आपको दोनों डालना है। एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो है वो आपको मेंशन करना है। सिटीजन आपको मेंशन करना है, जेंडर मेल या फीमेल जो भी है, या और उसके बाद ये मेंशन करने के बाद उसके बाद आपको एड्रेस मेंशन करना है, वो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों मेंशन करना है। ईमेल आईडी ऑलरेडी आपको वहाँ पे दिया हुआ रहेगा, मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना है, ठीक है। मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद उसके बाद एकेडमिक डिटेल में आपको फोर्थ पोस्ट में यानी कि फोर्थ स्टेप में आपको एकेडमिक डिटेल मांगा जाएगा। और डिटेल जो होगा यहाँ पे यानी कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए न्यूनतम आपका ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। ग्रेजुएशन के ऊपर जो भी पोस्ट किए हुए यानी कि जो भी कोर्स किए हुए हैं, जब पोस्ट ग्रेजुएट हो, PG हो या कोई भी MBA हो या कोई भी BTech किया हुआ, यानी कि ग्रेजुएशन से ऊपर जो पोस्ट किए हुए सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे इंडिया से हो या इंडिया से बाहर हो, सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एकेडमिक डिटेल डालने के बाद उसके बाद नीचे आएंगे फुल टाइम पेड वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कहीं भी वर्क किए हैं उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस तो वो चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करना है। पार्ट टाइम कोई भी वर्क किए हैं अगर उसके से रिलेटेड अगर
पास एक्सपीरियंस है तो वो भी सारा चीज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करने के बाद सारे जो नीचे आएंगे, एक आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, सबको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको एक क्या सिग्नेचर अपलोड करना होगा और प्लेस डाल करके आपको फाइनली सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद अब बात कर लेते हैं, जैसे फॉर्म आपने सबमिट कर लिया, सबमिट करने के बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैसा होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मैं यहाँ पे बात कर लेते, देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे यानी कि आपको तीन स्टेप में प्रोसेस करना होगा, यानी कि तीन स्टेप में आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहला जो जो भी स्टूडेंट जो भी लोग अप्लाई किए उसका जो होता है यानी कि उसका जो होता है एक छटाई होगा, यानी कि उसमें सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन जो बेसिस होगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैक्सिमम जो होगा आपका जो ऐसे लिखे होंगे वो 250 वर्ड से लेकर के 300 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। रिज्यूमे के बेस में होगा और अपने जो रिज्यूमे जो सारा चीज डेटा दिया उस पे बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर फर्स्ट स्टेप आपका क्वालिफाई कर लेते हैं तो सेकंड स्टेप में आपका स्किल इक्विपमेंट आपका दिखाया जाएगा, यानी कि आपके पास जो जो स्किल है वो स्किल में कौन कौन से स्किल है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन किया करना होगा, तो उस स्किल पे बेसिस पे आपको सिलेक्शन होगा। अगर ये दो स्टेप आप कंप्लीट कर लेते हैं, लास्टली और फाइनली स्टेप होता है वो इंटरव्यू होता है, जो कि पर्सनल इंटरव्यू दिया जाता है। और इन तीनों स्टेप को फॉलो यानी कि कंप्लीट करने के बाद आपका प्रोसेसली आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है। और ये जो प्रोग्राम वो 2 साल के लिए रखा गया है, यानी कि ये 2 साल के लिए जॉब दे लिया जा रहा है। अगर 2 साल के बाद आपकी आपका जो भी काम करेंगे वो काम अगर संतुष्टिजनक होता है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो काम है ये काम आपको फिर से आगे बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि लाइफ टाइम के लिए धीरे धीरे कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। वीडियो अच्छा होगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। चलिए दोस्त आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।